प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने सीखा कि किस तरह से हम ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा दो अंकों की संख्या के साथ गुना कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 45 की और 23 की गुना करनी है तो इसके लिए हमारे पास स्टेप क्या थे, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, सेकेंड स्टेप हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर उनको प्लस कर देंगे, और थर्ड स्टेप हमारे पास ये था। ठीक इसी तरह से हमने सीखा कि तीन अंकों की जो संख्या है कोई, और किसी दूसरे तीन अंकों की संख्या के साथ अगर हमें गुना करनी है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम द्वारा, तो हमारे पास जो स्टेप है थ्री की बजाय कितने हो जाएंगे, फाइव हो जाएंगे। यहां पे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, सेकंड स्टेप हमारा इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ जो बनेंगे गुणा करके जो आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उनको प्लस कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी। फोर्थ स्टेप हमारा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और दोनों को प्लस कर देंगे। फिफ्थ स्टेप हमारा ये कर देंगे। तो ये हमारे पास थ्री डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम फोर डिजिट नंबर की, कोई भी फोर डिजिट नंबर है हमारे पास, इसी फोर डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आपके पास स्टेप कितने हो जाएंगे, फोर टू जाए एट माइनस वन, यानी कि सेवन स्टेप होंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसकी इसके साथ। सेकंड स्टेप हमारा अब टू डिजिट ले लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और उनका प्लस। थर्ड स्टेप में हम थ्री डिजिट ले लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई और उनका प्लस। फोर्थ स्टेप में जो एक्सट्रीम पे है, जो आउटर पे है उनकी मल्टीप्लाई और उनका प्लस, और जो इनर है उनकी मल्टीप्लाई और उनका प्लस। फिफ्थ स्टेप में अब ये वाले टू छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और ये इनका प्लस। सिक्स स्टेप में अब ये टू रह जाएंगे, इनको भी छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और उनका प्लस। और सेवन्थ स्टेप में ये आ जाएगा। तो ये हमने सीखा अपने पिछले तीन वीडियो लेक्चर में। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए 234 की 56 के साथ, तो ये अगर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो इसके लिए आप जो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, या फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए फिर आप ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र को किस तरह से यहां पे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये जो स्टेप्स है वो तो 2x2 के लिए, टू डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई के लिए है, यहां पे थ्री डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई के लिए है, यहां पे फोर डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई के लिए है। तो सपोज करो कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें जैसे हम यही लेते हैं कि आपके पास एक तो थ्री डिजिट नंबर है और एक टू डिजिट नंबर है, और आपको मल्टीप्लाई करनी है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र द्वारा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप क्या करें, इसके यहां पे जीरो लगा के और इसको भी थ्री डिजिट नंबर बना दें। अब देखो यहां पे भी हमारे पास थ्री डिजिट और यहां पे भी हमने थ्री डिजिट पूरे कर लिए, नंबर तो टू डिजिट ही रहेगा लेकिन हमने इसके आगे जीरो लगा के थ्री डिजिट पूरे कर लिए। अब ये भी यहां पे भी थ्री डिजिट है और यहां पे भी थ्री डिजिट है, तो दोनों जगह पे अगर थ्री डिजिट है तो जो थ्री डिजिट का रूल है वो हम अप्लाई कर देंगे इस पे। तो यहां पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं,
अब हो जाएगा हमारे पास, यहां से हम करेंगे सबसे पहला स्टेप, चार छीके 24, चार दो कैरी यहां से चला जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसके इसके साथ और इसके इसके साथ, तीन छीके 18 और चार पचे 20, 18 और 20 38, 38 और दो 40, 0 4 हो जाएगा। अब इसकी दो छीके 12 और ये 0 और तीन पचे 15, तो 12 और 15 27 हो जाएंगे, 27 और 4 31, 1 यहां पे 3 आ जाएगा। अब तीनों स्टेप हो गए, अब इसको छोड़ देंगे हम, इसके इसके साथ 10 और ये 0 तो 10 ही बने, 10 और 3 13, 3 हासिल 1। अब हम क्या करेंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसके इसके साथ करेंगे तो 2 की और 0 की करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 1 यहां पे कितना आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13104। तो इस तरह से देखो स्टेप हमारे वही 5 ही हुए। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब डिजिट कम ज्यादा है तो पहले आप डिजिट पूरे कर लेंगे और फिर उसी तरह से उसको यूज कर लेंगे। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें 4, 2, 3, 5 और 7, 2, 5 इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करें, यहां पे एक जीरो लगा लें। अब जो 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, वो 7 स्टेप आप इसके अंदर यूज करके और इसको सोल्व कर लें। तो इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपके डिजिट पूरे नहीं है तो पहले आप डिजिट पूरे कर लें। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।